ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बबलू भाई भी इधर से ही करेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, अभी स्टार्ट करते हैं हम। आप सभी जुड़ गए हैं तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि कल तक हमने जो कुछ समझा है वो भी हमें थोड़ा याद रहना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कल तक हमने समझा था, एक तो अपने बारे में समझा था कि मैं कौन हूँ, यानी कि आत्मा के विषय में समझा था कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, शरीर का मन के साथ क्या संबंध है, आत्मा और शरीर का संबंध ऐसे ही है जैसे गाड़ी और ड्राइवर का है, वो कल हमने समझा था। और कल ही हमने आपको बताया था कि भी अगले टॉपिक में हम सब आत्माओं के जो पिता परमात्मा हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आज हम वही विषय ले रहे हैं परमात्मा का, कि जिसके साथ हमने कनेक्शन जोड़ना है, जिसको हमने याद करना है, जिसका ध्यान करना है। तो जिसका भी ध्यान करना होता है उसकी पहचान होना ज़रूरी होती है। जब तक हमें पहचान नहीं है तब तक हम उसको अपने ध्यान में नहीं ला सकते। कोई भी चीज़ हमारे ध्यान में तभी आती है, वही चीज़ हमारे ध्यान में आती है जिसकी हमें पहचान हो, जिसके बारे में हमें जानकारी हो, भले वो सामने हो या नहीं हो लेकिन उसकी जानकारी होनी ज़रूरी होती है। जब जानकारी हो जाती है तो हम उसका ध्यान कर सकते हैं। तो इसी तरह आज तक हम सबको ये कंप्लेन क्यों रही है कि परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगता। सारी उम्र हम पूजा पाठ जप तप माला सब करते हैं, बुढ़ापे तक भी कंप्लेन यही रहती है कि भी ध्यान नहीं लगता, मन टिकता नहीं है परमात्मा पर, मन टिकता नहीं। तो उसका कारण क्या है, जबकि बाकी सब पर मन टिक जाता है? ऐसा तो नहीं है कि ध्यान हमें लगाना नहीं आता या ध्यान हमारा लगता नहीं है। ध्यान तो लगता है, और ध्यान कोई सीखने की भी बात नहीं है, बचपन से ही हम ध्यान लगा रहे हैं। बचपन से ही जब हम घर से स्कूल चले जाते थे तो स्कूल में जाकर भी अगर घर वालों की मदर की याद आती है, पापा की याद आती है, तो हम उनको याद कर सकते हैं, उनका ध्यान करते थे। 4-6 घंटे स्कूल में रहते थे तो 6 के 6 घंटे हम घर में उनका ध्यान कर सकते थे, या मदर जो है वो बच्चों का ध्यान करती है, बच्चा सामने नहीं है लेकिन वो काम भी कर रही है, अपना घर का काम भी कर रही है और बच्चा उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ इस समय उसका रिसेस चल रही होगी, टिफ़िन खा रहा होगा, तो वो सब दिखाई देता है। किसी भी व्यक्ति का ध्यान हम करना चाहें तो हम कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी होती है, उसके नाम का पता होता है, उसके रूप का पता होता है, उसके एड्रेस का पता होता है, उसके साथ हमारा संबंध क्या है उसका पता होता है, और उससे हमें प्राप्ति क्या होती है ये सारी जानकारी हमें होती है। उस आधार पर उसका हम ध्यान कर सकते हैं। कोई सीखना नहीं पड़ता, कोई सिखाता नहीं है कि ध्यान कैसे करना है, सिर्फ पहचान है। और पहचान में ये 5 बातें हैं कि नाम क्या है जिसका ध्यान करना है, उसका रूप क्या है, उसका एड्रेस क्या है। जैसे घर में बैठी माँ बच्चे का ध्यान करती है तो बच्चे के नाम का पता होता है, बच्चे के रूप का पता होता है, बच्चे के एड्रेस का पता होता है कि किस स्कूल में उसकी एडमिशन कराई है, किस स्कूल में है, वो स्कूल कैसा है, जगह दिखाई देती है, क्लासरूम तक माँ ने देखा होता है, माँ को क्लासरूम दिखाई देता है, एक एक डेस्क दिखाई देता है, तो एड्रेस का पता है। फिर संबंध का पता है कि जिसको वो याद कर रही है वो उसका क्या लगता है। संबंध के बाद फिर उसको याद करने से उसको प्राप्ति क्या होती है, मिलता क्या है, उस प्राप्ति का भी पता है, तो ध्यान लग जाता है।
माँ बच्चे का ध्यान करती है, बच्चा माँ का ध्यान करता है। सिर्फ माँ बच्चे की बात नहीं, सभी संबंध, पति पत्नी का ध्यान करता है, पत्नी पति का ध्यान करती है, दोस्त दोस्त का ध्यान करता है, तो ध्यान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। परमात्मा का ही ध्यान करने में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि परमात्मा के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। उसके बारे में जो भी जानकारी दी गई है हमें, दूसरों द्वारा दी गई है, जिस जिसने उसको जानने की कोशिश की और जैसा जैसा उसने जाना वैसा वैसा उसने बता दिया, वैसा वैसा उसने लिख दिया, तो हमारे शास्त्रों में एक भी शास्त्र दूसरे शास्त्र से मेल नहीं खाता। एक में कुछ लिखा है, दूसरे में कुछ लिखा है, और सब कुछ लिखने के बाद हमारे वेदों में भी अंत में ये लिख दिया गया है कि भी ना इति, कि हमने परमात्मा के बारे में जो जानकारी दी है वो पूरी नहीं है, यही सब कुछ नहीं है जो कुछ हमने लिखा है। तो फिर पूरा कौन जानता है उसको? अब तक उसकी पूरी जानकारी है नहीं, यही कारण है कि आज तक हमारा ध्यान उसके तरफ लगा नहीं। किसी ने कहा कि वो श्री राम जैसे हैं, किसी ने कहा कि नहीं नहीं वो श्री कृष्ण जैसे हैं, कोई कहे कि नहीं नारायण जैसे हैं, विष्णु जैसे हैं, कोई कहता कि नहीं नहीं वो तो शिव जी जैसे हैं, किसी ने कहा कि इन जैसा उनका रूप नहीं है, वो तो अरूप है, निराकार है, उनका कोई रूप है ही नहीं। कोई कहता है भगवान शगवान कुछ नहीं होता, ये सारा वहम है। तो इसलिए हम अनेकों की बातें हमने सुनी होती हैं, अनेकों द्वारा हमने परमात्मा का परिचय पाया होता है, जिस कारण से हमारा ध्यान लगता नहीं है। अब परमात्मा का सही परिचय क्या हो सकता है और उसका परिचय कौन दे सकता है? कुदरती बात है कि जब तक परमात्मा खुद आकर खुद का परिचय ना दे दे, तब तक उसको जाना नहीं जा सकता। तो परमात्मा अपना परिचय खुद ही देते हैं। संसार में एक ही पुस्तक है, श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें ये आता है भगवान उवाच, कि भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान खुद अपनी पहचान दे रहे हैं आत्माओं को। तो वहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण के माध्यम से ये ज्ञान दिया गया है, तो वहाँ भी ये बताया गया है कि हे अर्जुन, मुझे संसार में कोई नहीं जानता है, वेदों शास्त्रों में मेरा ज्ञान नहीं है, ऋषि मुनि मुझे नहीं जानते, गुरु गोसाई मुझे नहीं जानते, हे अर्जुन तू भी नहीं जानता है। अर्जुन मैं खुद को खुद ही जानता हूँ, और जब तक मैं खुद आकर खुद का परिचय ना दे दूँ, तब तक मनुष्य मुझे जानने में असमर्थ है। सो हे अर्जुन, मैं तुझे अब तेरे सामने तेरे रथ पर आकर तुझे अपनी पहचान दे रहा हूँ, अपना परिचय दे रहा हूँ, तो इस परिचय के अनुसार जो मैं दे रहा हूँ, इस अनुसार मुझे जान। मैं जानने का विषय हूँ, मैं अपनी जानकारी खुद देता हूँ, अपना ज्ञान खुद देता हूँ। अब जो खुद मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो इसके बारे में इस अनुसार मुझे जान, इस अनुसार तू मेरा ध्यान कर, इस अनुसार मेरा ध्यान करेगा तो तुझे मेरी प्राप्ति होगी। मेरी प्राप्ति अर्थात मुझ में जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जिन जिन गुणों और शक्तियों का स्वामी हूँ, मालिक हूँ, सागर हूँ, वो सब तुझे प्राप्त हो सकती है। तो क्या परिचय दिया है उसने अपना? तो उसका परिचय जो है वो एक तो सर्वधर्म, सभी धर्मों वालों को मान्य होना चाहिए, सर्वधर्म मान्य होना चाहिए। तो वो कौन सा परिचय है?
जिसको सभी धर्म वाले मानते हैं कि नहीं परमात्मा ऐसा है। तो हम सब जानते हैं ये हिंदू धर्म में ईश्वर के लिए कहा गया है कि ईश्वर एक प्रकाश है, एक ज्योति है, मगर ज्योति बिंदु है, उस प्रकाश का एक बिंदु है। मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि अल्लाह एक नूर है, मगर वो एक नुक्ता है, नूर है, नूर का एक नुक्ता है। जैसे हिंदी में प्रकाश का बिंदु है, इसी तरह उर्दू में वो कहते हैं कि भाई नूर का वो एक नुक्ता है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि गॉड इज़ लाइट, बट इट इज़ ए पॉइंट ऑफ लाइट, वो लाइट का एक पॉइंट है। तो पॉइंट, बिंदु या नुक्ता, उसकी एक ही शेप होती है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं चित्र में। तो बिंदु जो है वो गोलाकारी होता है तो वो अति सूक्ष्म, लेकिन समझाने के लिए जहाँ थोड़ा बड़ा बताया गया है, जैसे कल भी हमने समझा था, हमने अपने बारे में समझा था कि हम आत्मा हैं और आत्मा एक पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट है। तो इसी तरह हम सब आत्माओं का जो पिता है, जिसको हम परम पिता कहते हैं, तो वो भी तो हमारे जैसा ही होगा ना, आत्मा जैसा ही होगा ना। तो आत्माओं का पिता परमात्मा भी गोलाकार बिंदु रूप ही है। रूप में वो शेप जो है वो उसकी, वो बिंदु है, बिंदु जैसी है, और वो कोई फिजिकल प्रकाश का बिंदु नहीं है, दिव्य प्रकाश का बिंदु है, जिसे हम बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं। जब हम उसको जान लेते हैं कि वो प्रकाश का एक बिंदु है, जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं, तो आप कल्पना शक्ति से देख सकते हैं कि सितारे कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए बिंदु से दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी दिव्य प्रकाश का एक बिंदु है। तो जहाँ परमात्मा के गुण बताए गए हैं कि परमात्मा किसे कहा जा सकता है और किसे नहीं कहा जा सकता, परमात्मा उसी को कहा जा सकता है जिसको सारी दुनिया मानती हो, सभी धर्म मानते हों, और सभी धर्म सारी दुनिया एक ही रूप में मानती हो। ऐसे नहीं कि उसके उसको अलग अलग रूप में मानते हैं। नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं गुणों के आधार पर, क्योंकि वो गुणों का सागर है, तो इसलिए उसके गुणवाचक नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन रूप तो अनेक नहीं हो सकते। जैसे किसी एक व्यक्ति के नाम अनेक हो सकते हैं, संबंध अनेक हो सकते हैं, लेकिन रूप तो एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ तो आप मुझे कोई भाई जी कहता है, कोई सर बोलता है, घर वाले मेरी मम्मी मुझे अलग नाम से पुकारती हैं, पापा अलग नाम से पुकारते हैं, दोस्त अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन कोई भी मुझे किसी भी नाम से पुकारता है, उसके सामने मेरी जो छवि है वो तो यही उभरती है ना। छवि तो मेरी एक ही है, रूप तो एक ही है, मम्मी के लिए भी यही रूप है, पापा के लिए भी, सबके लिए, दोस्तों के लिए भी। इसी तरह परमात्मा को चाहे कोई किसी भी भाषा में किसी भी नाम से याद करेगा, तो जब भी याद करेगा तो उसके सामने उसकी छवि तो एक जैसी आएगी ना। इसलिए सभी धर्म वाले परमात्मा को निराकार ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का एक बिंदु मानते हैं। तो उसमें कौन कौन से गुण हैं? जो गुण हम में भी हैं उसमें भी हैं, वो गुणों का सागर है, उसने हमें अपने जैसा ही बनाकर भेजा था इस संसार में। जो गुण उसमें हैं वो सारे गुण हमारे अंदर भी थे, और आज भी वो हैं हमारे अंदर, लेकिन वो सारे के सारे ना के बराबर हैं, वो गुण कमज़ोर हो चुके हैं, वो कार्य नहीं कर पा रहे।
परमात्मा गुणों का सागर है तो वो सागर ही रहता है, उसके गुण कम ज़्यादा नहीं होते, अर्थात वो सतो रजो तमो में नहीं आते कि कभी तो वो शांति का सागर तो शांत है और कभी धीरे धीरे उसकी शांति कम होते होते वो अशांत भी हो जाता है, ऐसा नहीं। वो शांत है तो सदा ही शांत है, आनंद का सागर है तो सदा ही आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है तो सदा ही प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है तो सदा ही पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है तो सदा ही सुख का सागर है। हम सब आत्माएं भी इन सब गुणों से युक्त हैं, लेकिन हमारी शांति कम ज़्यादा होती रहती है, कभी तो हम बहुत शांत अनुभव करते हैं, कभी अशांत हो जाते हैं। तो जहाँ इस चित्र में हम ये समझेंगे कि परमात्मा किसे कहा जाता है, किसे कहा जा सकता है, तो मैं आपको परमात्मा के जो अनेक गुण हैं उनको एक एक गुण के बारे में आपको बताता चलूँगा। तो जैसे जहाँ बताया गया है कि परमात्मा जो है वो सुख दुख से न्यारा है, तो सुख दुख से न्यारा है का क्या मतलब कि वो सुख दुख नहीं भोगता, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है कि क्यों नहीं भोगता, उसे अभोक्ता कहा जाता है, क्योंकि सुख दुख भोगने के लिए आत्मा के पास शरीर का होना जरूरी है। हम सब आत्माएं शरीर अपने अपने शरीर द्वारा सुख दुख भोगते हैं, हमारे पास अपना शरीर है इसलिए हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा सदा ही अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, इसलिए वो सुख दुख नहीं भोगता, सुख दुख से परे है। फिर वो गुणों के भंडार हैं, परमात्मा गुणों का भंडार है, गुणों का सागर है, इसलिए हम सब आत्माएं उसी से ये सारे गुण लेते हैं थ्रू मेडिटेशन। फिर आगे बताया गया है कि निराकार है, निराकार का मतलब कि उसका ना तो कोई साकार शरीर है ना आकारी शरीर है, अशरीरी है, विदाउट बॉडी, लाइट है, लाइट का एक बिंदु है तो बिंदु ही है, अशरीरी है। फिर शांति के दाता है, क्योंकि वो शांति का सागर है तो शांति का दाता भी होगा ही, सागर से ही सब कुछ प्राप्त होता है, सारी नदियां सागर से ही निकलती हैं। फिर आगे है पतित पावन है, पतित पावन का मतलब है कि जब हम सब आत्माएं पावन से पतित हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा पावनता का सागर है, पवित्रता का सागर है, उसने हमें भी अपने जैसा बनाकर इस संसार में भेजा था, लेकिन धीरे धीरे हमारी पवित्रता कम होते 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 आज कलयुग के अंत में हम अपवित्र हो चुके हैं, पावन से पतित हो चुके हैं। तो जब आत्माएं पावन से पतित हो जाती हैं, परमात्मा आकर उन पतितों को पावन बनाता है, इसलिए उसको पतित पावन कहा जाता है। एक परमात्मा ही है जो पतितों को पावन बना सकता है, जो खुद पावन है, संसार में और कोई भी पावन नहीं है, एक परमात्मा ही पावन है जो आकर हम सब आत्माओं को पावन बनाता है, या पावन बनाने की विधि बताता है, योग सिखाता है, इसलिए उसको पतित पावन कहा जाता है। लेकिन आज हम हर किसी को हम पतित पावन कह देते हैं, पतित पावनी, हम इवन के पानी को भी पतित पावन कह देते हैं। फिर ज्ञान अमृत के सागर हैं, परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की तुलना अमृत से की जाती है, तो वो ज्ञान अमृत का सागर है। फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता है, मुक्ति जब जीवन मुक्ति के दाता का मतलब, मुक्ति किसे कहते हैं कि जब हम सब आत्माएं इस संसार से, इस शरीर से मुक्त होकर, यानी कि इस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करके पूरा ख़त्म करके वापस घर जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं, उसको कहते हैं मुक्ति। यानी कि शरीर में रहते हुए हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, जब शरीर को छोड़ के वापस घर चले जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं, उसी को मुक्ति धाम भी कहते हैं। तो एक परमात्मा ही आकर हमें घर का भी रास्ता बताता है, अपनी भी पहचान देता है
इसलिए उसको मुक्तिदाता भी कहते हैं और जीवन मुक्तिदाता भी। और जीवन मुक्ति उसे कहते हैं कि जब हम परमधाम से अपने घर से शुरू में ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में आते हैं, सतयुग में आते हैं, तो हम जीते जी इस शरीर में रहते हुए सभी विकारों से मुक्त होते हैं, सभी बुराइयों से मुक्त होते हैं, इसलिए सभी दुखों से भी मुक्त होते हैं। तो मुक्ति आत्मा दुख से मुक्ति चाहती है, सुख से कोई भी मुक्ति नहीं चाहता। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक परमात्मा ही है। फिर लिखा है कि विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। एक परमात्मा जो है वो तीन देवताओं की रचना करके, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तीन देवताओं द्वारा करवाने वाला जो है वो परमात्मा है। उन तीनों को देवता कहा जाता है और शिव को परमात्मा कहा जाता है। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आने वाली नई दुनिया की स्थापना करा रहा है। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। आदि मध्य अंत के ज्ञाता मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को वो जानने वाला है। इस पूरे काल चक्कर को वो जानता है, क्योंकि इस काल चक्कर के बीच में नहीं है वो, काल अतीत है, यानी कि वो परम धाम का रहने वाला है, टाइम और स्पेस से परे है। हम आत्माएं इस समय टाइम और स्पेस में आई हुई हैं, टाइम और स्पेस में आई हुई है, इसलिए सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। जहाँ ना टाइम है ना स्पेस है, वहाँ ना सुख है ना दुख है, उसे कहते हैं मुक्ति धाम। वहाँ आत्मा सुख दुख से मुक्त है, हम वहीं से आए हैं, परमात्मा वहीं का रहने वाला है, बाप और बच्चे हम एक ही घर के रहने वाले हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, क्योंकि आदि मध्य अंत में हम आत्माएं चक्कर लगाती हैं। हम पास्ट में भी थे, पार्ट प्ले कर रहे थे, प्रेजेंट में भी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं और आगे भी पार्ट प्ले करेंगे, लेकिन परमात्मा इस पार्ट से मुक्त है, साक्षी है, विटनेस है, इसलिए वो पूरे सर्कल को जानता है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। दुख हरता सुख करता है। दुख हरता अर्थात वो दुखों को दूर करने वाला है और सुख देने वाला है। जैसे पीछे ही बताया कि परमात्मा सुख का सागर है, सुख का सागर है तो सुख तो देगा ही, दुख नहीं देता है। लेकिन आज हम अज्ञानतावश ये मान बैठे हैं कि सुख दुख वही देता है। परमात्मा कभी भी दुख नहीं देता, वो दुख का सागर नहीं है, जो कुछ उसके पास है वही वो देता है, वो सुख का सागर है, सुख ही देता है। दुखों को तो वो हरता है, दुखों को तो वो दूर करता है, सबके सुख का दाता है, सुख देने वाला है, सबको सुख का दाता है। फिर दिव्य दृष्टि विधाता है। दिव्य दृष्टि ज्ञान को कहा जाता है, तीसरे नेत्र जिसे कहते हैं। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही सत्यता का सागर है, और वही सत्य ज्ञान हमें आकर देता है। उस ज्ञान को ही तीसरा नेत्र या विवेक कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि रूपी नेत्र देने वाला वही है दिव्य दृष्टि विधाता, उसी को कहते हैं एक परमात्मा को। फिर वही बिंदु रूप है और ज्योति स्वरूप है। रूप में वो बिंदु है, शेप में वो अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, गोल आकार है, लेकिन स्वभाव में वो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो स्वरूप हो गया गुण और रूप हो गया शेप, साइज। तो जो बिंदु रूप है और ज्योति स्वरूप है परमात्मा, एक परमात्मा शिव। फिर परम पिता, परम शिक्षक व परम सद्गुरु है। एक परमात्मा को ही हम दुनिया में, पिता तो अनेक हैं, हर आत्मा का, हर व्यक्ति का अपना अपना पिता है। जितने धर्म है संसार में उतने धर्म पिता भी हैं, धर्म पिता भी अनेक हैं, पिता भी अनेक हैं, धर्म पिता भी अनेक हैं। जितने राष्ट्र हैं, जितने देश हैं, उतने राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता भी अनेक हैं, लेकिन परम पिता जो है वो एक है। सभी राष्ट्रपिताओं का, सभी धर्म पिताओं का, सभी पिताओं का पिता एक है, जिसे हम
परमात्मा शिव कहते हैं। फिर परम शिक्षक है। दुनिया में अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले अलग अलग शिक्षक होते हैं, लेकिन एक परमात्मा जो वो परम शिक्षक है, जो वो शिक्षा देता है उसी शिक्षा में से सारी शिक्षाएं निकलती हैं। वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का बीज है, उस बीज से ही सारा ज्ञान निकलता है। संसार में जितने भी शिक्षाएं भी दी जाती हैं तो वो भी सारी एक परमात्मा का ही, उस बीज से ही निकलती हैं, इसलिए उसको परम शिक्षक कहा जाता है। सदगुरु है। दुनिया में गुरु अनेक होते हैं, हर एक का अपना अपना गुरु होता है, लेकिन सदगुरु उसे कहते हैं जो स्वयं सत्य है, जो सत्य है और स्वयं के सत्य स्वरूप को जानता भी है और फिर स्वयं के सत्य स्वरूप को बता भी सकता है, उसे कहते हैं सत्य गुरु। परम पिता, परम शिक्षक और सदगुरु एक परमात्मा है जो खुद ही आकर खुद के बारे में बताता है, खुद ही खुद के बारे में जानता है, स्वयं सत्य है और अपनी सत्यता को जानता भी है और अपनी सत्यता के बारे में बता भी सकता है और हमारी सत्यता के बारे में भी जानता है और बता सकता है, क्योंकि वो सत्यता का सागर है, इसलिए उसको सत्य गुरु कहा जाता है, सतगुरु कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचता त्रिमूर्ति हैं। परमात्मा शिव जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी क्रिएटर हैं, रचता है, इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तीन देवताओं द्वारा तीन कार्य परमात्मा करवाता है। वो देवता है और वो परमात्मा है, इसलिए उसको क्रिएटर कहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो क्रिएशन है, परमात्मा की क्रिएशन है। परमात्मा उन तीन देवताओं की को क्रिएट करता है और उनसे तीन कार्य करवाता है। फिर कर्मों की गति को जानने वाला है। परमात्मा ही आकर हमें कर्मों की गति बताता है, कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म के बारे में बताता है। कर्म तो कर्म है, लेकिन कौन से कर्म जो है वो अकर्म कहलाते हैं, कौन से विकर्म कहलाते हैं और कौन से सुकर्म कहलाते हैं, परमात्मा आकर हमें इस कर्म गति का ज्ञान देते हैं। एक वही ज्ञाता है कर्मों की गति का। दिव्य बुद्धि के दाता है। दिव्य बुद्धि ज्ञान को कहा जाता है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, इसलिए वो, और वो ज्ञान दाता भी है, इसलिए उसको दिव्य बुद्धि का दाता कहा जाता है। प्रेम के सागर हैं। सदगति दाता है। गति और सदगति पहले भी बताया, मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो मुक्ति को गति कहा जाता है। गति का मतलब है जब हम इस संसार में आने, इस संसार को छोड़ के वापस अपने घर परम धाम चले जाते हैं, इस टाइम और स्पेस से पार, परात पर, परे ते परे निकल जाते हैं, इसे परम धाम कहते हैं। वो हम अगले चित्र में आपको बताएंगे कि वो कौन सी जगह है। सदगति दाता है। अकाल मूरत है। परमात्मा इस, जैसे मैंने कहा कि टाइम और स्पेस से परे है, परे का रहने वाला है, काल से परे का रहने वाला है, इसलिए वो काल को जानता है। वो काल में है, इस काल चक्र में आता नहीं है, इसलिए उसको अकाल कहते हैं, अकाल मूरत कहते हैं। आनंद के सागर हैं। जन्म मरण से न्यारे हैं। जन्म मरण से न्यारे हैं, क्योंकि जन्म मरण शरीर का होता है। परमात्मा सदा ही अशरीरी है, अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, इसलिए वो जन्म मरण से परे है। नर से नारायण बनाने वाला है। हम सब आत्माओं को नर से नारायण बनाता है। उसने हमें अपने जैसा बनाकर संसार में भेजा था, तो नारायण जो है वो परमात्मा का ही साकार स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सदा ही निराकार है। और अगर वो, अगर माना जाए कि परमात्मा अगर संसार में शरीर में आ जाए तो वो कैसा होगा, तो नारायण जो है वो उसका सैंपल है। यानी कि परमात्मा हमें, परमात्मा ने हमें अपने जैसा बनाया था, नारायण जैसा, लक्ष्मी जैसा, इसलिए हमने पहले ही चित्र में, पहले ही टॉपिक में यही समझा था कि वो हमारा लक्ष्य है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। क्योंकि हम, एक समय ऐसा था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे ही थे,
लक्ष्मी नारायण के राज्य में जथा राजा तथा प्रजा सभी लक्ष्मी नारायण जैसे थे, सब देवी देवता कहलाते थे, इसलिए भारत को देव भूमि कहा जाता है कि भारत में देवी देवताओं का निवास था। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हम सब आत्माओं को अपने जैसा बनाकर संसार में भेजा था। तो अपने जैसा बनाया कब था? वो इसी समय बनाता है, इस समय वो आया हुआ है, अपना परिचय दे रहा है, अपने से हमारा संबंध जोड़ रहा है और अपने से संबंध जोड़कर हमें अपने जैसा बना रहा है। जिसके साथ हम जुड़ते हैं, जिसका संग करते हैं, उसके जैसे होते जाते हैं। तो परमात्मा खुद ही खुद का परिचय देकर खुद के साथ हमारा संबंध जोड़ता है और संबंध जुड़ जैसे जैसे हमारा उसके साथ संबंध जुड़ता जाता है, हम उसके जैसे बनते जाते हैं, यानी कि उसके गुण हमारे अंदर प्रवेश होना शुरू कर जाते हैं और धीरे धीरे हम उसके सारे गुण और शक्तियाँ अपने अंदर जब एडॉप्ट कर लेते हैं तो उन्हीं गुणों और शक्तियों को लेकर जब वापस संसार में आते हैं तो हम नारायण समान होते हैं। तब हमारे पास सबसे बढ़िया शरीर होता है। कलयुग के अंत में इस समय सबसे घटिया है, तमो प्रधान शरीर है, और सतयुग में सतो प्रधान शरीर था, लक्ष्मी नारायण जैसा, देवताओं जैसा। तो इसलिए कहा गया है कि भाई परमात्मा हमें नर से नारायण बनाता है, खुद नहीं बनता, खुद ना वो नर है ना नारायण है, क्योंकि वो अशरीरी है। नर और नारायण दोनों ही शरीरधारी हैं, परमात्मा सदा ही अशरीरी है, लेकिन वो हमें नर से नारायण बनाता है और हम नारायण से धीरे 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 कलयुग के अंत में फिर से नर बन जाते हैं और परमात्मा आकर हमें नर से नारायण बनाता है, ये उसका कार्य है। फिर शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं। तो जैसे वो आता है स्थापना के लिए, नई दुनिया की स्थापना के लिए, तो ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया का विनाश साथ साथ होता है। जैसे ही दैवी गुणों की स्थापना होती है हमारे अंदर, दैवी जैसे हम परमात्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा के गुण जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे जैसे उसके गुण हमारे अंदर आते जाते हैं तो हमारे अंदर से अवगुण जो है वो निकलते जाते हैं, सद्गुणों की स्थापना होना शुरू हो जाती है और अवगुणों का विनाश होना शुरू हो जाता है, यानी कि एट ए टाइम दोनों काम साथ साथ होते हैं। तो स्थापना का कार्य भी हो रहा है, दैवी गुणों की स्थापना भी हो रही है हम सब आत्माओं के अंदर और अवगुणों का नाश भी हो रहा है। तो शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। इस समय हमारी जीवन नैया जो है वो इस समय कलयुग के अंत में, जिसे कहते हैं कि भी विषय सागर में है, ये सारा संसार एक प्रकार से विषय भोगों का ही स्थान बना हुआ है, हर आत्मा विषयी हो चुकी है, विषय भोगों में ही डूबी हुई है और सारा संसार ही इस समय विषय सागर बन चुका है। परमात्मा आकर हमें इस विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जाता है। परमात्मा ने जब हमें संसार में भेजा था तो ये संसार क्षीर सागर था, यानी कि स्वर्ग था, जन्नत था, फूलों का बगीचा था।